आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, आज हमारे पास मिसिंग टर्म से क्वेश्चन है, सो लेट्स रीड द क्वेश्चन। फाइंड द मिसिंग टर्म इन द सीरीज। सीरीज क्या है हमारे पास? टी यू एस क्यू आर पी, देन थर्ड टर्म इज क्वेश्चन मार्क, के एल जे एच आई जी, और चार ऑप्शंस है हमारे पास, ए बी सी एंड डी। तो हम क्या करते हैं, सारे ऑप्शंस को लिख लेते हैं। दिस इज टी यू एस, फिर हमारे पास है क्यू आर पी, फिर थर्ड टर्म हमें फाइंड आउट करनी है, देन के एल जे और एच आई जी। तो हम क्या करें, हम इन सभी की पोजिशनल वैल्यू देख लेते हैं इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में। टी की पोजिशनल वैल्यू 20 होती है, यू की पोजिशनल वैल्यू 21 होती है, एस की पोजिशनल वैल्यू 19 होती है, क्यू की पोजिशनल वैल्यू 17 होती है, आर की पोजिशनल वैल्यू 18 होती है, पी की पोजिशनल वैल्यू 16 होती है, के की पोजिशनल वैल्यू 11 होती है, एल की 12 होती है, जे की 10 होती है, एच की पोजिशनल वैल्यू 8 होती है, फिर आई की 9 होती है और जी की 7 होती है। तो अगर हम इन नंबर्स में रिलेशन देखें तो रिलेशन क्या है, रिलेशन ये दिख रहा है हमें कि 21 जो मिड में है उससे वन लेस उसके लेफ्ट में है, दिस इज वन लेस, और यहाँ पे टू लेस है राइट में। सभी पैटर्न्स में अगर हम, सभी नंबर्स में अगर हम ये देखें, 18 को सेंटर में रखते हुए 18 माइनस वन लेफ्ट में और 18 माइनस टू राइट में, फिर अगर हम यहाँ से देखें 12 के लिए भी, तो 12 के लेफ्ट में माइनस वन, 12 के राइट में माइनस टू, और इसी तरीके से 9 के लिए भी अगर हम देखें तो 9 के लिए भी माइनस वन एंड हेयर माइनस टू। तो इस तरीके से हमें पैटर्न दिख रहा है, बट इस पैटर्न को ढूंढने के लिए हमें मिडिल टर्म का पता होना जरूरी है, जिससे कि हम लेफ्ट में माइनस वन और राइट में माइनस टू कर सके। तो मिडिल टर्म में हम एक काम करते हैं, पैटर्न फाइंड आउट करते हैं सभी में। तो मिडिल टर्म हमारे पास जो फर्स्ट टर्म में है वो है 21, सेकेंड टर्म की जो मिडिल लेटर है वो है 18, फिर थर्ड टर्म जो हमारे पास फोर्थ टर्म है उसके लिए हमारे पास 12 है, थर्ड टर्म के लिए हमें ढूंढना है, और फोर्थ टर्म के लिए हमारे पास 9 है। तो हमें क्या डिफरेंस दिख रहा है, दिस इज माइनस थ्री, फिर यहाँ लास्ट में भी माइनस थ्री है, तो माइनस थ्री का डिफरेंस आना चाहिए, यहाँ पे भी माइनस थ्री और यहाँ पे भी माइनस थ्री, तो हम देख रहे हैं माइनस थ्री माइनस थ्री, 18 और 12 के बीच में 6 का डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ पे क्या नंबर होना चाहिए माइनस थ्री दोनों तरफ से आए, 15 होना चाहिए। तो 15 हमारा मिडिल टर्म होगा, पोजिशनल वैल्यू इसकी 15 की जो जिस लेटर की होती है, उस लेटर को हमको कहाँ रखना है, हमें मिड में रखना है, और ये लेटर होता है ओ, तो ओ की पोजिशनल वैल्यू 15, और 15 में से 15 को मिडिल टर्म मानते हुए इसके लेफ्ट में माइनस वन कर दो और राइट में माइनस टू कर दो, तो लेफ्ट में जब हम इसका माइनस वन करेंगे तो दैट विल बी 14, राइट में माइनस टू करेंगे दैट विल बी 13, 14 और 13 की पोजिशनल जो ये पोजिशनल वैल्यूज है ये किसकी होती है, कौन से लेटर्स की होती है, 14 होती है n की, 13 होती है m की, सो दिस विल बी n o m, तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, n o m। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।